हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक 3DS में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिफोर यू स्टार्टेड एनी प्रोजेक्ट इन 3DS मैक्स। वेल गाइस, आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं मैक्स में, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किन चीज़ों का ध्यान मैं रखता हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, सबसे पहले हम मैक्स ओपन करते हैं, ठीक है। तो मैक्स में आप ये विंडो देख सकते हैं, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट और पर्सपेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं अपनी कैड फाइल। तो कोई भी कैड फाइल जो है उसका आप सबसे पहले यूनिट चेक कर लीजिए, किस यूनिट में आपकी जो कैड फाइल है वो बनी हुई है। उसको चेक करने का सिंपल तरीका है, आप टाइप करेंगे यूनिट, ठीक है, यूनिट्स एंटर करेंगे, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो कैड फाइल है इसका यूनिट सेटअप क्या है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आर्किटेक्चरल है और ये इंचज़ में है ये फाइल, ठीक है। तो यही यूनिट सेटअप आपको अपने मैक्स में सबसे पहले कस्टमाइज में जाना है और यूनिट सेटअप में जाके आपको ये सेट करना है, ठीक है। मैं जो यूज़ करता हूँ जेनरिक यूनिट इंटरनेशनल, यहाँ से लेता हूँ मैं, ठीक है। सिस्टम यूनिट सेटअप में मैं केवल यहाँ पे फाइल जिस भी यूनिट में बनी है, मान लीजिए जो अभी मैंने आपको दिखाई कैड फाइल, वो इंचज़ में, तो यहाँ से मैं इंचज़ ले लूँगा, देन ओके, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं फ़ाइल में जाके इंपोर्ट और जो कैड फाइल है उसको इंपोर्ट करूँगा यहाँ से, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर वन, सबसे पहले आपने यूनिट सेटअप देखना है, ठीक है, कैड फाइल का, और फिर मैक्स का कस्टमाइज में जाके आपने यहाँ से यूनिट सेटअप चेंज करना है। तो ये हो गया नंबर वन। नंबर टू जो आपको करना है वो है प्रोजेक्ट फाइल जो भी आप सेव कर रहे हो उसका जो फोल्डर है वो किस तरीके से आपने बनाना है। जो भी मैक्स फाइल है उसको अगर आप सेव करेंगे तो वो कहाँ पे सेव होनी चाहिए। वेल, जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं अपना आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो फोल्डर है ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा एक बना हुआ है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ जिस भी क्लाइंट के लिए मैं बनाता हूँ। मान लीजिए प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी डाल सकते, जो भी आपका है प्रोजेक्ट नेम। इसमें होती है मेरी कैड फाइल, जहाँ पर मैं अपनी कैड फाइल डालता हूँ जो भी मुझे मिलती है, ठीक है। इमेजेस, इमेजेस के फोल्डर के अंदर तीन फोल्डर मेरे बने हैं, JPG, PSD और TGA, ठीक है। TGA या फिर टारगा, जो भी आप वो करते हैं, सेव करते हैं जिस भी फॉर्मेट में। तो JPG जो फाइल होती है वो यहाँ डालता हूँ, PSD का फोल्डर बना हुआ है और TGA यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मेल का फोल्डर है, मेल में भी दो फोल्डर बने हैं, एक जो कि रिसीव, जो मुझे क्लाइंट से रिसीव होते हैं और जो मैं क्लाइंट को भेजता हूँ, ठीक है। और चौथा है मेरा मैप्स का फोल्डर, जिसमें मेरे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी मैप्स होते हैं वो मैं इसमें सेव करता हूँ। फिफ्थ फोल्डर है मेरा मैक्स का, जो कि मैक्स ही फाइल मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। और रेफरेंस, जो भी क्लाइंट की तरफ से कोई भी रेफरेंस वगैरह जो मिलता है उसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। तो मैं आर्किटेक्चुरल वर्क करता हूँ, तो आर्किटेक्चुरल में मेरे को ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये 6 फोल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वेल, आप क्या काम करते हैं, आप अपने हिसाब से इस तरीके से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। वेल, मैंने अपना तरीका बताया आपको, ठीक है। और इसके बाद थर्ड नंबर पे होता है अपने मेक योर ओन मॉडिफायर लिस्ट, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे होते हैं मॉडिफायर लिस्ट, ठीक है। तो ये मैंने कुछ मॉडिफायर लिस्ट अपनी बना रखी है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं। वेल, इसको बनाने का क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने राइट क्लिक करना है मॉडिफायर लिस्ट में, ये देखिए राइट क्लिक किया एंड कॉन्फिगर मॉडिफायर लिस्ट, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप टोटल बटन्स जो है, अभी मैंने 10 ले रखे हैं। वेल, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी, ये देखिए, ठीक है। जितना भी आप यूज़ करते, जो भी आपका यूज़ होता है डेली, मतलब आप कौन कौन से मॉडिफायर का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं स्वीप बहुत यूज़ करता हूँ, बेवल, UVW, एक्सट्रूड, FFD, एडिड मैश, शेल, स्लाइस और सरफेस, ठीक है। इन मॉडिफायर का मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं सिंपली मेरे को, मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे को अगर कैप होल चाहिए थे तो सिंपली मैंने ड्रैग करके और यहाँ पे डाल देना है। इसी तरीके से मैंने ये जो है मॉडिफायर, ये भी यहीं से मैंने लिए है, ठीक है। मॉडिफायर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी मॉडिफायर जो भी आप यूज़ करते हो मोस्टली अपने प्रोजेक्ट्स में, तो आप उनको सिंपली ड्रैग करके और इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आपने ओके करना है, ठीक है। और ये ऑन कब होगा, ये जो चीज़ है इसको आपने यहाँ से शो बटन्स जो है यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। इसको अगर आप ऑफ़ कर दोगे तो ये देखो ये यहाँ से हट गया है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए, शो बटन्स, तो आपके जो भी मॉडिफायर आपने सेलेक्ट करे होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे।
वेल ये काफ़ी इजी हो जाता है आपको काम करने के लिए। कुछ भी आप जैसे बना रहे हो तो आपको बार बार यहाँ से मॉडिफायर लिस्ट में एक्सट्रूड नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज आपका यहाँ पे सेट हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली यहीं पे जाना है और आप यहाँ से एक्सट्रूड करना चाहते हैं एक्सट्रूड, अगर आपको कोई और स्वीप कमांड चाहिए तो आप यहाँ से स्वीप लगा सकते हैं, कुछ भी मतलब आप कर सकते हैं, FFD वगैरह जो भी मेरा यहाँ से आप देख सकते हो, स्लाइस चाहिए यहीं से आप स्लाइस भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद जो चीज़ है वो है आप ये विंडो देख सकते हैं, जैसे टॉप फ्रंट लेफ्ट और पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो आप किस पे ज़्यादा काम करते हैं, मान लीजिए आप पर्सपेक्टिव पे अगर आप ज़्यादा काम हो रहा है आपका, ठीक है, बाकी यूज़ नहीं हो रहे, तो आप सिंपली ये जो आप बीच में देख रहे हैं यहाँ से आपने मूव को इसको बढ़ा देना है इस तरीके से, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ मोस्टली। जैसे कि मैं अगर इस पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ठीक है, इस विंडो पे पर्सपेक्टिव में, तो मैं इसको बड़ा कर दूंगा, बाकी जो ये विंडो है इसको मैं छोटा कर सकता हूँ इस तरीके से, और ये दिखते रहेंगे साइड बाय साइड, ठीक है। तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, अगर आप टॉप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो टॉप को आप कर सकते हो, और इसको आप रीसेट भी कर सकते हो, इस पर आप राइट क्लिक करोगे रीसेट लेआउट, ठीक है, तो लेआउट को आप रीसेट भी कर सकते हो। और इसके बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद हम मैं जो यूज़ करता हूँ, जो आपकी सेटिंग है, ठीक है, प्रीसेट जो होते हैं आपके, वेल मैं प्रीसेट बता देता हूँ, ये होता है आपका, जब भी आप रेंडर सेटअप में जाएंगे F10 दबाएंगे, ठीक है, यहाँ से आपके प्रीसेट होते हैं। प्रीसेट मीन्स जो भी आपकी रेंडर सेटिंग होती है, ठीक है, वीरे की जो रेंडर सेटिंग होती है, आप हर बार अगर आप चाहते हो कि मैं हर प्रोजेक्ट में बार बार वही, अगर आपकी मान लीजिए आप एक्सटीरियर बना रहे हैं और किसी दूसरे एक्सटीरियर में भी आपको सेम सेटिंग डालनी है जो आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट की डाली है, तो आप उस सेटिंग को सेव कर सकते हैं। तो उसको सेव करने के लिए प्रीसेट होता है, यहाँ से मैंने अपनी सेटिंग 1 के नाम से ये प्रीसेट सेव कर रखा है, ठीक है, ये लोड और सेव भी हो जाता है। ये किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपकी एक इंटीरियर की फ़ाइल है, ठीक है, इसकी सेटिंग आपको सेव करनी है, तो आपने रेंडर सेटअप में जाना है, ठीक है, यहाँ से आप सेव प्रेजेंट करेंगे, इस फाइल की जो सेटिंग होगी वो सेव होगी, ठीक है, सेव प्रेजेंट में जाएंगे और यहाँ से आप इसका नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इंटीरियर 1 करके इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये सेव हो गई मेरी सेटिंग। अब मैं इस सेटिंग को अपनी किसी और इंटीरियर की फ़ाइल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरी एक इंटीरियर की फ़ाइल है, इसमें यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में ही इसको यहाँ से एक बार मैं फिर से इसको प्रीसेट में जाऊँगा, ठीक है, लोड, और यहाँ से मैं इंटीरियर 1, ठीक है, ये आप देख सकते हो अभी हमने सेव करते हैं इंटीरियर 1। ये पूछेगा यहाँ से सेलेक्ट प्रेजेंट कैटेगरी, इसको लोड करना चाहते हो, हम करेंगे लोड, ठीक है। तो मेरी जो सेटिंग है आप देख सकते हो, ये सेटिंग लग गई है वो वाली जो हमने इंटीरियर में अभी इस वाली फाइल से लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है सेटिंग अपनी सेव कर सकते हो। ये देखिए इंटीरियर वाली सेटिंग भी आ गई, ये सेटिंग 1 है जो कि मैं एक्सटीरियर के लिए यूज़ करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसका नेमिंग कर सकते हो, ठीक है, आपको बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, आप एक बार सेटिंग करके और उसको सेव करके और यहाँ से आप सीधा, जैसे सेटिंग 1 आपने मेरे को चाहिए तो यहाँ से सिंपली मैं एक बार जाऊँगा और मेरी जो सेटिंग है वो स्टार्टिंग में ही मैं लगा सकता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये हो गया एक तरीका, और इसके बाद जो मैं यूज़ करता हूँ, हाँ, कस्टमाइज़ में जब भी कस्टम डिफ़ॉल्ट स्विचर, ठीक है, इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका max.vray और ये डिफ़ॉल्ट UI होना चाहिए। वेल ये क्यों होता है मैं बता देता हूँ, जब भी आप मटेरियल सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपके जो मटेरियल है, ये आप देखिए मेरे आप जो भी मटेरियल देखेंगे सारे ये वीरे में हैं, ठीक है, वीरे में आते हैं। वेल इसका रीज़न क्या है, आप लोड कस्टम UI में आप कस्टमाइज में कस्टम डिफ़ॉल्ट स्विचर में max.vray configure 3D max option to match the type of work you will doing, तो ये वीरे को वीरे के जो भी मटेरियल्स वगैरह है ये इसको सेट कर देता है। तो आपको इसको सेट कर देना है यहाँ से, तो आपके जो मटेरियल्स हैं इनको बार बार आपने जाके वीरे में सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी वीरे में कन्वर्ट हो जाएंगे जब भी आप मैक्स ओपन करेंगे, ठीक है। तो एक ये सेटिंग हो गई आपकी। इसके अलावा
आपको मैंने स्क्रिप्ट्स अपने वीडियोस में बताई हुई हैं। वेल, वो स्क्रिप्ट्स आप डाउनलोड करके, जैसे कॉपी पेस्ट की स्क्रिप्ट है, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई फाइल यहाँ से, ये चेयर आपको चाहिए, तो आपने कॉपी करी यहाँ से और सिंपली अपनी फाइल में आपने यहाँ से फटाफट पेस्ट कर ली। देखिए कितनी स्पीड में हो गया ये काम, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट क्या है, ये बहुत हेल्पफुल होती है हमारे लिए, कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट, QR रेंडर, ठीक है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इनके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, ठीक है। वीरे रेंडर सेटिंग के बारे में मैं बना चुका हूं, ठीक है। अगर आपको ये सेटिंग चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं यहाँ से। कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, IES लाइट, ठीक है। ऑलरेडी मैं इनके ऊपर वीडियोस बना चुका हूं, अगर आप मेरे चैनल में आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और रेंडर मल्टीपल मैक्स फाइल्स, ये जो क्विक बैच रेंडर वाला जो मैंने आपको बताया, यहाँ से आप स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से शो टेक्सचर, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। कलेक्ट एसेट, ठीक है, यहाँ से आप कलेक्ट एसेट कर सकते हो, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी आपकी स्क्रिप्ट्स हैं, इनको आप डाउनलोड करके और यहाँ पे लगा सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा वर्क करना, ठीक है। एक चीज़ और है, आप अपने शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल शिफ्ट 2, हाँ ओपन का है शिफ्ट 2, ये मैंने असाइन किया है इसका शॉर्टकट, ठीक है। तो आप ये किस तरीके से करेंगे, ओपन और क्लोज का मैंने इसको असाइन दे रखा है। ये कहाँ से होता है मैं आपको बता देता हूँ, आपने कस्टमाइज में जाना है और कस्टमाइज में जाके कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस में आपने जाना है, क्या क्वार्ट्स में जाना है आपने, यहाँ से आपने ऑल कमांड्स में आप अगर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, GROUP ग्रुप, ठीक है, यहाँ से ग्रुप आपको दिख गया। और यहाँ से ग्रुप ओपन का अगर मुझे शॉर्टकट बनाना है तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने ग्रुप टाइप करना है, ग्रुप, यहाँ से आपको सर्च करना है ग्रुप, पहले ये देख सकते हैं आप ग्रुप क्लोज, ठीक है। इसका शिफ्ट आई मैंने करा है, यहाँ से आप हॉट कीज़ कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। वेल, वो शॉर्ट कीज़ किसी और की नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लीजिए आप कंट्रोल ए कर दे तो ये दिखा रहा है, कंट्रोल ए जो है वो सेलेक्ट ऑल की है, तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज कंट्रोल ए वाली जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको कोई भी नहीं डालनी है, जैसे मैंने शिफ्ट 1 डाला है, ठीक है, तो इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको शिफ्ट कुछ और भी कर सकता हूँ, जैसे शिफ्ट 4 है, ठीक है, बट ये ऑलरेडी इसका भी है बना हुआ, तो कोई भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप क्लोज का और ग्रुप ओपन का मैंने शिफ्ट 2 किया है यहाँ से, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से आपने ये मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो यहाँ से आपने डन कर देना है, तो आपकी जो शॉर्टकट्स है वो अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करेगा, ये बन जाएगा शॉर्टकट। अब मेरे को जैसे इसको ओपन करना है, ठीक है, ग्रुप को, तो मैंने शिफ्ट 2 दबाया, ये देखिए ग्रुप ओपन हो गया, और अगर इसको क्लोज़ करना है तो शिफ्ट 1 मैं दबाऊंगा कीबोर्ड में, ये यहाँ से क्लोज़ हो गया। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट्स बना सकते हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए काम करना और शॉर्टकट्स के साथ, और काफ़ी इजी रहता है। वेल दोस्तों, एक और चीज़ का आपको ध्यान देना है, आप कस्टमाइज में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आप अपने जो सीन के अंडू लेवल्स है इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी मैंने 20 ले रखा है, ठीक है, आप कितने अंडू करते हैं, अगर आपको बैक जाना है पीछे तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप फाइल्स में अब जाएंगे, फाइल्स में आप देख सकते हैं कंप्रेस ऑन सेव, ठीक है, ये आप ऑन रखिएगा, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, कंप्रेस फाइल, हाउ टू कंप्रेस 3ds मैक्स फाइल, ठीक है, इससे आपकी जो फाइल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, तो इसको आप हमेशा ऑन रखिए, ठीक है। और बैकअप ऑन सेव, इसको भी आपने ऑन रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ से नंबर ऑफ ऑटो बैकअप फाइल्स, ठीक है, अभी मैंने 5 ले रखी है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपकी ऑटो बैकअप फाइल बनती है, मींस अगर आपकी लाइट वगैरह चली जाती है तो आपकी जो फाइल्स है वो ऑटो बैकअप में सेव हो जाती हैं, तो उसको आप यहाँ से, मान लीजिए मेरी 5 फाइलें यहाँ ऑटो बैकअप में हैं, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आपकी जो भी मतलब वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वेल, अगर आपके यहाँ लाइट ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, ज़्यादा जाती है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से। दूसरा, बैकअप इंटरवल मिनट्स, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है एक बैकअप
जो मैक्स होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 5 होता है, ठीक है, मतलब वो हर 5 मिनट में फाइल को सेव करता रहता है, ठीक है। तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, वेल अगर आपके यहाँ प्रॉपर लाइट है, सारा सिस्टम अगर अच्छा है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बार बार अगर फाइल सेव होगी तो आपको काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने इसको 60 मिनट्स कराया, मीन्स 1 आवर, ठीक है। और इसके अलावा वेल ये कुछ चीज़ें जो आप प्रेफरेंस सेटिंग में कर सकते हैं। तो गाइज़ ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हो तो काफ़ी अच्छा रहता है, आपका जो वर्क फ्लो है काम करने का वो अच्छे से आपका होता है। तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के और भी मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।